नमस्ते बच्चों। तो बच्चों, आज की क्लास शुरू करते हैं। बच्चों, इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? कुछ लोग हैं, बच्चे हैं, कुछ ले रहे हैं। बच्चों, आप जानते होंगे ये बच्ची क्या ले रही है, इसे क्या दिया जा रहा है और क्यों दिया जा रहा है। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर कोई प्रतियोगिता में हिस्सा लें या कक्षा में प्रथम आए या कोई अन्य प्रतियोगिता में प्रथम आने पर हमें खुशी मिलती है और हमें पुरस्कार दिया जाता है, तो ये बच्ची पुरस्कार ले रही है। बच्चों, पुरस्कार तरह तरह के होते हैं। कप के रूप में मिलता है हमें, तोहफे के रूप में मिलता है, मेडल, शील्ड आदि पुरस्कार के रूप हैं। इन रूपों में हमें पुरस्कार मिलते हैं। तो ये सभी यहाँ जो चित्र हैं उसमें पुरस्कारों का अलग अलग रूप है। तो बच्चों, आज हम पुरस्कार पाठ पढ़ेंगे। एक ऐसे ही बच्चे की कहानी है। पाठ 4, पुरस्कार। रामनगर एक सुंदर शहर है। वह चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। रामनगर में बालक बालिकाओं के 10 विद्यालय हैं। वे आपस में मिलजुल कर अनेक काम करते हैं। प्रत्येक वर्ष वे मिलकर पुरस्कार वितरण उत्सव मनाते हैं। इस उत्सव में सभी 10 विद्यालय भाग लेते हैं। इस वर्ष प्रतियोगिता का विषय था सच्चे बच्चे कितने अच्छे। आज उसी प्रतियोगिता का परिणाम सुनाया जाएगा। सर्वाधिक अंक पाने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कार भी दिए जाएंगे। इस वर्ष प्रतियोगिता का पहला पुरस्कार विद्यालय नंबर 2 की 6ठी कक्षा के छात्र सत्यपाल को देने का फैसला लिया गया। जलसे में हेडमास्टर साहब ने सत्यपाल की सच्चाई की घटना सुनाई। तो बच्चों, अभी जो हमने पाठ पढ़ा इसमें कई नए शब्द आए हैं, उन शब्दों के अर्थ भी हमें पता होने चाहिए। तो जो अभी हमने पाठ का अंश पढ़ा उसमें नए शब्द पुरस्कार, पुरस्कार का अर्थ होता है इनाम, वितरण, बांटना, उत्सव, समारोह, हिस्सा, भाग, भाग, हिस्सा, प्रतियोगिता, होड़, परिणाम, नतीजा या फल, सर्वाधिक, सबसे अधिक, अंक, संख्या। बच्चों, अंक के 2 अर्थ होते हैं। एक अंक अर्थ है संख्या और दूसरा गोद। फैसला, निर्णय, जलसे, समारोह। तो बच्चों, ये जो हमने पाठ्यांश पढ़ा ये उनके शब्द और उनके अर्थ हैं।